कटवा फिश करी बनाने के लिए सबसे पहले इलायची, कलमी, ज़ीरा और अदरक लहसुन मिलाकर इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट रेडी है। अब दो मीडियम साइज के प्याज लेंगे और इसका भी पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने आधा किलो कटवा फिश ले ली है। अब इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक और इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करूंगी। अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। आधा घंटा हो चुका है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम एक कप तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब आंच धीमी करके इसमें फिश फ्राई करेंगे। तेल में फिश डालने के बाद इसे मीडियम आंच पर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है। देखिए फिश फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। ये मैंने सारी फिश अच्छे से फ्राई कर ली है। अब इसी तेल में मैं डालूंगी दो तेज पत्ता। और दो मीडियम साइज के प्याज को अच्छे से चॉप करके तेल में फ्राई करूंगी। प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। इसे भी अच्छे से भूनना है। प्याज का पेस्ट भून चुका है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन कलमी इलायची वाला पेस्ट और इसे भी अच्छे से पकाएंगे। मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले जाएगा दो चम्मच धनिया पाउडर, डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे। अब हम इसमें आलू डाल के मिक्स करेंगे और दो मिनट तक पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, हमने फिश मैरिनेट करते समय नमक डाला था, अब आप अपने हिसाब से नमक डालिए।
अब इसे ढककर रखेंगे जब तक टमाटर गल न जाए। टमाटर गल चुके हैं, ये देखिए। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब लो फ्लेम पे 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन खोल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालिए फ्रेंड्स। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी डालिए, और अगर आप गाढ़ी ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा कम पानी डालिए। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी फ्राई की हुए फिश। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी ग्रेवी में। लो फ्लेम में 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी बनके तैयार है, ये देखिए। अब हम इसमें लास्ट में धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके सर्व करेंगे।